बात करेंगे दानिश भाई से। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। दानिश भाई पहले तो बताइए कि आप अब वीडियोस में क्यों नहीं आते? बस हमारे इमाद भाई वही शो करते हैं, हमको इंटरेस्ट नहीं उतना वीडियो में। हाँ लेकिन इमाद भाई मेरे को मालूम है बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं आपको आने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं आते आप। और बताइए इस बकरे के बारे में कैसी जर्नी है? देखिए अभी भी नहीं बात कर रहे आप। ठीक है कोई बात नहीं, इमाद भाई से हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली दानिश भाई बहुत ज़्यादा शौकीन है लेकिन कैमरा शाय है इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं करता है। इमाद भाई बताइए इस बकरे के बारे में जो जर्नी है इस बकरे की। ये बच्चे को अभी अपने पास ऑलमोस्ट 27 महीने हो गया, जी सातवा दांत कर रहा है, 39 की हाइट है और वेट में अराउंड 88-90 केजी पे आएगा। ये अपन बच्चा लिए थे, 1.5 महीने के आसपास का बच्चा था, 11-12 किलो का बच्चा। हाँ मैंने देखा अपने पास ही है जी, मैंने देखा आप फोटोज वगैरह बताए थे हम लोग। उसकी जो फोटो वीडियो थे क्या उसकी कैसे फोटोज है आपके पास? मेरे पास फोटोज भी है वीडियोस भी है, उसके बाद शायद कभी फोटो वीडियो निकली नहीं जी, हम लोग के किसी के फोन में फोटो वीडियो कभी निकाले नहीं हम लोग जी जी। एक्चुअली उसका एक जगह भी एकदम फिक्स था जो बाहर भी नहीं आता कभी ज्यादा, जहाँ पे किसी को जिस रूम में रखा हुआ था उस रूम में किसी को एंट्री नहीं थी जी। बहुत कम लोग ऐसे थे जिसको दिखाते थे, आज पहली बार बकरा बाहर निकला है तो सबको वही लग रहा है कि बकरा बाहर से आया है। हाँ वही कुछ लोग बोल रहे थे कि ये बेचने के लिए लाया हुआ है, बोला नहीं ये बच्चा है ये पहले से लिया हुआ है। और कैसा रहा इसका और कुछ बताइए इसके बारे में, क्या अप्स एंड डाउन्स थे या फिर सिर्फ अप्स ही थे? नहीं अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। हाँ फिर ये 2 साल पहले जब अपने पास बच्चा आया था तभी से प्लान किए थे कुछ करने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट तो बहुत बहुत अच्छा मिल रहा था। हाँ। 5-6 किलो चल ही रहा था बकरा जी। और इसी साल जनवरी में बकरा ऑलमोस्ट 94-95 केजी पे था और सडनली पैरालाइज हो गया। अच्छा उसका डाइट भी अलग था, सब कुछ अलग था, बट पता नहीं कैसे बकरा पैरालाइज हो गया। और हम लोग के यहाँ आपको ट्रीटमेंट मालूम कैसे चलता है? नहीं और उसके अंदर पहले इसके कुछ सिम्टम्स नहीं है अभी, हम लोग ने इसके स्लोमो वगैरह भी लिए सब कुछ बताया, इसका कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 21 दिन जमीन पे पड़ा हुआ था बकरा, 95 से 63-64 पे आया। हाँ बस दिमाग में एक ही चीज़ थी कि बकरा बचाना है, वो तो तैयार तो होगा अपने को मालूम था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ अपन उसके साथ कर रहे थे, जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, बकरे ने हर चीज़ में अपने को साथ दिया। आज फिर से ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना वो ऐसे ही ज़मीन पे था नॉर्मल, और उसके बाद उठ के आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर से 90 केजी के आसपास पहुंच गया है। तो ये चीज़ आप बताने की ज़रूरत क्या थी, वो तो हम छुपा भी सकते थे। ये ऐसा है कि बहुत लोग बोलते हैं ना कोटा कोटा, शायद अपना जनवरी में पोस्ट वीडियो बना था टाइगर का। नहीं सॉरी मैं वो नहीं बात चीज़ नहीं कर रहा हूँ, ये जो पैरालाइज वाली बात थी वो बताने की जरूरत क्या थी, वो तो किसी को बताते पता भी नहीं चलता था। देखो ये जब बच्चा है ना किसी को मैंने दिखाया था बॉम्बे में, बहुत नामचीन आदमी है, तभी से मेरे पीछे पड़ा हुआ था बच्चे के लिए। अच्छा और जब 4 दिन पहले जब इसका अपन टीजर डाले थे सबसे पहला कॉल उन्हीं का आया। अच्छा एक्चुअली उनके मैसेज आए हुए थे, हम लोग बाहर थे मैसेज नहीं चेक किए, उन्हीं का सामने से कॉल आया, वही बोले कि भाई वही बच्चा आएगा। बस अपनी बात वही पे भी पैरालाइज के अपन क्या कहीं से लाए नहीं है, अपनी चीज है अपन कुछ भी बता सकते हैं। बेशक नहीं और जो है हकीकत तो बता के, क्योंकि स्लोमो में लोगों को देख के पता चलेगा ही कि उसमें कुछ है कि नहीं है, क्योंकि 1% भी उसका कोई सिम्टम्स नहीं है पैरालाइज के। आपको वही बताया ना कि जो ट्रीटमेंट हम लोग किए हाँ वो ट्रीटमेंट पे बकरे ने भी साथ दिया, ऑलमोस्ट 21 दिन तक उसको सलाइंस लग रहे थे। बस वही चीज थी कि बकरा बचाना है, वो 40 पे भी आता तो अपनी हिम्मत थी उसको खड़ा करने की, आज वही हाल हुआ है, 4 महीने में बकरा ऑलमोस्ट 28-30 किलो चढ़ा है माशाल्लाह। वही कुछ अभी अपने जवाद भाई भी थे जो 1 महीना पहले उन्होंने देखे थे बकरा, वो खुद वही बोले उन्होंने। और वो तो बकरा हर महीने 7-8 किलो रिजल्ट दे रहा है, तो उसका डाइट ही वैसा है। माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है। इसमें आपके कुछ खास दोस्त लोग भी आए हुए हैं? पर मैं तो मोस्टली बाहर ही रहता था, तब से लोग ही संभाल रहे, मैं अभी आया हूँ। पहले दानिश भाई के हाथ के पास ही बकरा था और डेली वही देखते हैं, मेरा ऐसा कभी होता है कि मैं 1-1 महीना भी नहीं रहता हूँ यहाँ पर। और बाकी जो अपने है दोस्त लोग हैं वो लोग देखते हैं। सबसे पहले किसको बुलाएंगे फिर? आएंगे अभी सभी आएंगे अभी एक साथ में आएंगे, सबका नाम नहीं ले सकते। वो तो बात सही है, और मतलब सभी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौकीन है बकरों के, लेकिन अभी फिलहाल ज़रा तू जा कर रहे। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है अभी ऑलमोस्ट 27 महीने में कि पहली बार बकरा फार्म से बाहर निकला है। हाँ वही है, नहीं तो किसी को अपन बकरा कभी दिखाया ही नहीं, कभी नहीं।
जो कोटा का लास्ट टाइम भी टॉपिक जो निकला था, हाँ वो तो ऐसे कोटा है नहीं, मेरे पास थे भी और अल्हम्दुलिल्लाह हर बकरा बेचा हूँ मैं। हाँ, अभी अपने कुछ देखे जो सिकंदर था, हाँ, वो भी और वो चार दांत पे ही था, उन छह दांत बताए थे, बकरा चार दांत पे ही था। हाँ, हाँ। और वो भी बिक चुका है। नहीं वो तो माशाल्लाह, वो तो अंकल तो बोले सुना पुणे से आए थे बस में बैठ के खास लेने के लिए, वो यहाँ से 6000 की गाड़ी ट्रांसपोर्ट करके लेके गए। हाँ। तो मैं उनको बोल रहा था कि उनको ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करवाता हूँ, वो खुद लेके गए। नहीं शौक रहता है, शौक भाई। कोटा बोले तो क्या 40-50 किलो के कोटा नहीं दे, सब मेरे पास अच्छे कोटा थे जी जी। और वीडियो सब देख चुके हैं। हाँ वही, क्योंकि अभी सब लोग को खाली पता था आयशा गुटफान के पास ये बकरा है वो बकरा है, लेकिन पहली बार जो हम ये साल जो आपके वीडियोस आए तो लोगों को पता चला कि क्या चीज़ है आपके पास, कैसा काम करते हैं आप लोग, आपका काम करने का तरीका क्या है। चलिए लास्ट ईयर भी अपने पास बड़े बकरे थे, हाँ, लेकिन अपन इसको तब भी निकाले थे नहीं शो के लिए, अपना प्लान ही था इसको रखने के लिए। अच्छा, अपन कभी लाए थे नहीं उसको बाहर, और अभी भी ऐसा है कि अपना इतना कुछ देने का प्लान नहीं, अगर कोई जेन्युइन रहेगा तो ही अपन देंगे, और अगर कोई भराई पर्पस के लिए लेता है तो और भी अच्छा है। उसके पैर देखो, उसका सीना बिना हर चीज में बकरा परफेक्ट है जी जी। सिर्फ सिक्के एक नीचे एक ऊपर है थोड़ा। हाँ नहीं वो भी रखी माशाल्लाह, बहुत प्यारी चीज है सिक्के। हाँ, और उसी पे से क्वेश्चंस बहुत होते हैं। हाँ। मैंने तो बच्चा लाया था 1.5 महीने का, होता तो पता नहीं था कि कैसे सिक्के निकलने वाले। नहीं नहीं, और एक बात है, कुछ लोगों को बुरी लगेगी वो बात, लेकिन मैंने देखा हूँ कि फॉइल निकालो और प्राइस डाउन करो। अभी चीज ऐसी है, आज आपको मालूम है क्या रेट में बकरे मिल रहे हैं, और 15-16 इंच के कान में आज लाख रुपए बोल रहे हैं, ये 20 इंच कान में, 20 इंच कान में। और ये आज नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास 27-28 महीने पहले से तब से है। हाँ। अपन थोड़ी बोलते फिर है कि 20 इंच में है। हाँ। आज देख रहे सब क्या चीज बनी हुई है जी जी। नहीं माशाल्लाह, और मैंने खुद नापा है वो तो, वीडियोस भी मैंने ही बनाया जब अपन इसका ये नाप रहे थे तभी। इसकी शाइनिंग है, उसकी लेंथ देखो, अभी हम लोग बात करेंगे हिम्मत भाई के दोस्त लोग से और उनके कुछ खास आदमियों से। आओ भाई लोग, सब लोग एक साथ में ही आ जाओ, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबको कवर करना पॉसिबल नहीं रहेगा। चलो जदीश भाई, अहमद भाई, निखिल, निखिल भाई, निखिल भाई सबसे पहले आना चाहिए, निखिल मैंने बहुत मार खाया हुआ है इसका। अतिक का अतिक, अतिक भाई आओ, नवील भाई, क्या बोलते हैं नवील भाई, नवील भाई से हम लोग बात करेंगे पहले। नवील भाई आप भी बकरा पालते हो, आपके पास भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा था, तो इस बकरे के बारे में क्या ख्याल है आप लोग का, आपका? माशाल्लाह जो भी देखेगा सामने देखेगा तो फिर समझेगी चीज क्या है। नहीं वो तो है, और मैं इसलिए हर वीडियो में स्पेशली हिम्मत भाई के वीडियो में यही बोलता हूँ कि आप लोग वीडियोस मत देखिए, सामने अगर है करीब है तो आप लोग आके देखिए तो आपको पता चलेगी चीज़। सेम थिंग वही हुई ना कल की, जो पुणे वाले जो अंकल आए थे वो, बिल्कुल वो था, और उसके पहले जो सोजत सोजत था, हाँ सोजत, उसका भी वही हुआ, उसका भी वही हुआ, क्योंकि वीडियोस में पॉसिबल नहीं रहता इतने बड़े फ्रेम के बकरे कवर करना। उन वीडियो में तभी 80 kg बताए थे और बकरा जिसने देखा वो तो 95+ बताया है। आपके बाजू में खड़े अतीक भाई, अतीक हद्दादी, वालेकुम सलाम, सब लोग जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आतिक भाई को देखे होंगे। आतिक भाई तो वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, मैंने सुना हुआ बकरेबाजी के, क्या बोलते हैं आपका क्या कहना है इसके बारे में? तो आपके सामने ये 20 इंच कान की कोटा अभी अपने कोकन में तो नहीं है, नहीं कोकन में तो नहीं है, और बॉम्बे में भी मिलना मुश्किल है, ये तो आपको पता ही है, और आप भी बहुत सारे बकरे शूट करते हैं, आपके भी चैनल पे शायद से फर्स्ट टाइम आ रहा रहेगा। फर्स्ट टाइम मैं तो अभी भी बोलता हूँ हिम्मत भाई दानिश भाई को कि 4-5 बकरियाँ रखो कोटा के, क्योंकि ये चीज़ जब जाएगी ना तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी फिर से। ठीक है, ऐसा ही अपना शौक है तो बस उसी लिए पाल रहे, दूसरा ऐसा कुछ नहीं, ब्रीडिंग वगैरह का कुछ प्लान नहीं है। हाँ वही, इसलिए वही नहीं, वो तो मैंने आपको एडवाइस दिया था क्योंकि जो चीज़ थी वो तुमको मालूम है कि अभी कैसे रेट चल रहे कोटा के 16-17 इंच के कान के। वही बताया ना आपको कि आज जो चीज़ की वैल्यू है, हाँ, ये वही पकड़ो आपके आज से 2.5 साल पहले मैं परचेज किया हूँ तो क्या रेट में मिला रहेगा, आज जो 20 का है वो टाइम पे 10 भी बहुत ज्यादा था। और जो रेट में बच्चा खरीदा हूँ मैं, आज तक कभी इतना महंगा बच्चा कभी खरीदा था भी नहीं, हाँ, शायद कभी खरीदने मिले नहीं, नहीं, नहीं। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं, नहीं वो तो ऑब्वियसली आने वाले लोग 3-4 लाख का भी लेते हैं, हाँ, मैं जो परचेज किया था ये सबसे महंगी खरीदी थी।
बेच रहे हैं एक्चुअली। अभी तक जो इसका रेट है, हाँ, दानिश भाई को भी नहीं मालूम है क्लियर क्या रेट है उनको किसी बकरे का रेट एकदम क्लियर नहीं मालूम रहता। नहीं, वो तो बात सही है। और क्या बोलते हैं, और कोई कुछ कहना चाहेगा इस वीडियो में? अलीश भाई, अलीश भाई खाली उसके स्माइल देते हैं बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। अरे हंसो मत, बोलो यार कुछ। क्या बोलेंगे? नहीं, आज तो बोला फाइनल वीडियो ही है। चीज़ आप देखो कैसी है। वो तो है, वो तो हम लोग सब देख रहे हैं, लेकिन आपने तो संभाले हुए, आपने भी, आपका भी हाथ है। अच्छी चीज़ है, 20 इंच के कान है। बाग में रखते हैं तो कोई सा भी हमारा जानवर दिखता नहीं, जब बाग के बाहर निकलते हैं जब चीज़ दिखती है। हाँ, वो तो बात सही है। आप तो वीडियो बना चुके हैं। क्या बोलते हैं रियाद भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रियाद भाई, बोलो कुछ। मैं तो जब से फार्म पर जा रहा हूँ तब से तो देख रहा हूँ, मैं और दानिश भाई खाना डाल रहे, इसके सिवा कोई खाना नहीं डालता, कोई फार्म में एक भी जानवर नहीं दिखता। हम दोनों ही जाते हैं, खाना डालते हैं, खाना पानी बताए, फार्म को लॉक मार के आ जाते हैं। आज तक देखे हमने कि फार्म में कोई भी अंदर नहीं आता, कोई भी जानवर नहीं देखता। नहीं यार, मैं भी इतनी बार आया कि इसको कभी निकालते भी नहीं बाहर है, और ये तो हम छोड़ते ही नहीं भाई। और स्पेशल ये तो उसकी जगह पर से निकलता ही नहीं है। क्या बोलते आतिक भाई, क्या कुछ बोल रहे थे आप? इसके बोन साइज वगैरह भी देख सकते हैं, अगर कोई बंदा लेता है नेक्स्ट ईयर के लिए तो भराई पे भी डालेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो भी बंदा लेने वाला रहेगा वो तो ब्रीडिंग सेटअप के लिए ही लेगा, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ है। जी जी, ऐसे कान वगैरह तो आपके सामने ही है। नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है, ब्लैक माशाल्लाह कोटा है पूरा, 39 की हाइट है। वही इसलिए मैं बोला कि जो भी लोग अगर इंटरेस्टेड है ना, तो बॉम्बे से कोकन दूर नहीं है, वन डे ट्रिप भी हो जाएगा और चीज़ भी सामने देखने मिलेगी, तो आपको समझेगा। हाँ, हम लोगों ने उसका लिए है स्लोमो वगैरह उसके, माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, मैंने नंबर मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो बात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, इन्जॉय द वीडियो गाइज़।